सपने में ख्वाब में रोता हुआ देखना, नेक काम, यानी कि नेक काम करने के बाद लोग उसको जो है ताने देंगे। जी हाँ, आप हैं अली रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल पर और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ अली अफसर अली। सपने की जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह की तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सपने में अगर तुमने देखा है कि तुम रोए हो और चेहरे पर आपके निशान पड़ गए तो उसको नेक काम के बदले लोग ताने मारेंगे। हज़रत इब्राहिम करमानी लिखते हैं कि ख्वाब में रोना यानी कि सपने में रोना खुशी है और हक ताला की तरफ से यानी कि ईश्वर की तरफ से, मालिक की तरफ से बख्शिश है। और अगर उसने देखा है ख्वाब में गुनाह पर यानी कि अपनी गलतियों पर या किसी इल्म की महफिल में या फिर कुरान पढ़ते हुए या फिर कोई अपनी धार्मिक किताब पढ़ते हुए रोया है और मौके पर उसके मुशाबे है यानी कि उसके आसपास भी कुछ है तो खुदाए ताला की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, मालिक की तरफ से जो अपने फजल से उस पर रहमत करेगा, उस पर मालिक रहमत करेगा और उसके गुनाह बख्शेगा, जो उसने पाप कर रखे हैं उन पापों को मालिक माफ़ कर देगा। और अगर देखिए रोया है और आंसू उसकी आंखों से नहीं निकले हैं तो इसका मतलब ये होगा गुज़िश्ता काम न करने से अफसोस करेगा, यानी कि कोई गलती या फिर किसी भी तरह का कोई काम वो करना चाहता है उस पर वो अफसोस करेगा या फिर उसने कोई काम किया है, गुज़िश्ता बोलते हैं पहले, और तौबा करेगा। और अगर किसी किए हुए काम की मुसीबत पर बग़ैर नूहज़ारी रोया है यानी कि बिना आंसू निकले रोया है, अगर किसी किए हुए काम की मुसीबत पर बिना आंसू रोया है, उसके आंसू नहीं निकले हैं तो उसका मतलब ये होगा कि शादी, खुशी और राहत देखेगा, यानी कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। हज़रत जाफ़र सादिक लिखते हैं कि ख्वाब में देखे कि रोया है और फिर हंसा है, दिल थाम कर बैठिए, अगर ख्वाब में देखा कि रोया है और फिर हंसा है तो उसका मतलब ये होगा, उसकी दलील ये होगी कि उसकी मौत करीब है। अगर कोई इस तरह का ख्वाब देखे तो मालिक के नाम से सदका खैरात कर देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पर बताऊंगा। अगर आप भी ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं और ताबीर जानना चाहते हैं, सपने का मतलब जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप देख पाएँ सबसे पहले। और आप मुझसे जो है कमेंट में किसी भी सपने की जानकारी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्ले 100% दूंगा और बहुत जल्दी रिप्ले करूंगा। जैसे ही आपको रात में सपना आया और आपने सुबह में उसको कमेंट कर देना है, मैं आपको रिप्ले कर दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी लोग जो सपने देखते हैं वो समझ नहीं पाते। काफ़ी लोग सोचते हैं कि सपना आया है और जो देखा है वही हकीकत है, सपना जो देखा है वो हकीकत नहीं होता, उसका मतलब कुछ और होता है। तो चलिए, खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।